आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रेखा महेंद्र चौधरी को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खास दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ मैरौली के अनाज मंडी में आ चुके हैं। साथ में आप देख सकते हैं महेंद्र चौधरी जो रेखा जी के पति हैं, मनीष सिसोदिया बहुत सारी चुनाव सभाओं को संबोधित करने के बाद मैरौली के इस अनाज मंडी इलाके में पहुंच चुके हैं और ये मंच पे आते हुए मनीष सिसोदिया जी रेखा महेंद्र चौधरी ने पैर छू करके अरविंद मनीष सिसोदिया जी को संबोधित किया। पंजाब के विधायक चन्नी जी रेखा महेंद्र चौधरी और मनीष सिसोदिया साथ में महेंद्र चौधरी संबोधित करते हुए इस सभा को मैरौली की अनाज मंडी से सुना रेखा चौधरी ने स्कूल के लिए एक प्राइमरी स्कूल के लिए निवेदन किया है मनीष सिसोदिया जो 50 से मैं उनसे इनका काम क्या है?
पहला काम है साफ सफाई, हमारी गलियों को साफ करना, हमारी नालियों को साफ करना, हमारे मोहल्ले से कूड़ा उठाना, ये एमसीडी का सबसे पहला काम है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार चला रही है, 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। मुझे बताओ कि जो उसकी मेन जिम्मेदारी, जो पहली जिम्मेदारी है कूड़ा उठाना, साफ सफाई रखना, क्या बीजेपी ने दिल्ली को साफ किया? क्या बीजेपी ने हमारी गलियां साफ की? क्या बीजेपी ने हमारी नालियां साफ कराई? क्या बीजेपी ने हमारी गलियों से कूड़े के ढेर हटाए? जो पहला काम था साफ सफाई, वही बीजेपी ने 15 साल से नहीं किया। मेरी आवाज बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंच रही होगी जो दिल से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वैसे ही बीजेपी का समर्थक होना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव में आप सोचें कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से अपनी मूल जिम्मेदारी नहीं निभाई, गलियों का कूड़ा साफ करने का काम नहीं किया, कूड़ा साफ, नाली साफ करने का काम नहीं किया, क्या 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी वाले अपने से पूछे जो सुन रहे हो कहीं पे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जरूरत है कि वो वापस बीजेपी को वोट करे? नहीं जरूरत है। अगर गलियां साफ करानी है, अगर नालियां साफ करानी है, अगर मोहल्ले से कूड़े के ढेर खत्म कराने हैं तो बीजेपी से ना हो पाए। देखिए, हर सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, जैसे भारत सरकार की जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली सरकार विधानसभा वाली, वहां की जिम्मेदारी है शिक्षा पे काम करना, स्कूल अस्पताल बनवाना, बसें लेके आना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, वैसे एमसीडी की सबसे पहली जिम्मेदारी है साफ सफाई करना। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया दिल्ली के लोगों ने, लेकिन बीजेपी ने हर बार धोखा दिया और साफ सफाई नहीं करी, बल्कि कूड़े के पहाड़ दिए। ये मान लेते हैं कि पहला काम तो नहीं किया, पहला काम में तो इनको आता नहीं है, साफ सफाई तो इनको आती नहीं है, पीछे वाले भी मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को साफ सफाई तो नहीं आती है, पर बीजेपी का कोई दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम उन्होंने किया? बीजेपी ने 15 साल में कोई काम किया? कहीं दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थक खड़ा हो जिसके दिल के किसी कोने में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा बहुत प्रेम हो, वो हाथ खड़ा करके बता सकता है बीजेपी ने 15 साल में एक भी काम अगर उसके पास गिनाने के लिए हो तो बताओ, है या किसी के पास? किसी के पास बीजेपी का एक भी काम गिनाने के लिए है? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ना तो कूड़ा साफ कराया, ना हमारे पार्क बनवाए, गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं आवारा पशु और हमारी गलियों को गंदा करते रहते हैं, उन्होंने उस पर भी कुछ नहीं किया। किया क्या? इधर सात साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। कल मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जेपी नड्डा जी, उनके स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बड़े जोश के साथ कहा, मनीष सिसोदिया जी अगर केजरीवाल सरकार के दो काम गिना दें तो मैं एमसीडी के 10 काम गिनाऊंगा। मुझे भी बड़ा अच्छा फॉर्मूला लगा यार, मेरे को भी पता चल जाएगा 10 कौन से हैं। पर मैंने सोचा मैं क्यों गिनाऊं, दिल्ली की जनता के लिए काम किए, दिल्ली की जनता गिराए। तो मीडिया वाले आए हुए और जिस जिस के पास फेसबुक है अपना फेसबुक ऑन कर लो, दिल्ली की जनता आप केजरीवाल जी के काम बताने वाली है, और जेपी नड्डा हैशटैग टैग करके लगा दो। इधर को दिल्ली की जनता ने बताया, रिकॉर्ड कर लो, थोड़ी देर बाद भी लगा सकते हो। मैं आज दिल्ली की जनता के बीच पूछना चाहता हूँ, जेपी नड्डा जी आप मेरे से कहते हो कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार के दो काम गिना दो तो मैं एमसीडी के 10 गिनाऊंगा, जेपी नड्डा जी मनीष सिसोदिया को काम गिनाने की जरूरत
केजरीवाल सरकार ने जनता कह रही है कि दिल्ली की जनता की बिजली फ्री कर दी है, 24 घंटे बिजली आती है, घरों में बिजली के बिल जीरो आते हैं, तो स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, और काम बताओ। शाम को टीवी ऑन कर लो, वैसे दिख जाएंगे, साफ हो गए झगड़े।
साफ सफाई तो केजरीवाल जी की पार्ट से भी करवा सकते हैं। तो मुझे बताओ ले जाओगे कि नहीं इस मैसेज को? मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार केजरीवाल की, तो आप बताना पार्षद केजरीवाल का है कि नहीं है? पार्षद केजरीवाल की है कि नहीं है? सरकार केजरीवाल की, पार्षद केजरीवाल का, दोष लगा के बताओ, जान ही ना अभी। सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही लाइन ध्यान रखना कि अगर बीजेपी का पार्षद गलती से इस इलाके में चुन लिया गया तो केजरीवाल के काम रोकेगा, काम नहीं कराएगा। अपना ध्यान रखना, इन बीजेपी वालों का ध्यान मत रखना, भाग जाइए। अपनी गली साफ कराओ, अपनी मोहल्ला साफ कराओ, अपने पार्क बनाओ, और क्या चाहिए नगर निगम से? भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने एड्रेस किया और जिन्होंने साफ सफाई को सबसे ज़्यादा प्रमुख रखा है। आम आदमी पार्टी के विधायक रेखा चौधरी को सपोर्ट करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, और सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो है जेपी नड्डा जी को चैलेंज किया है कि वो 10 काम की दुआएं जो एमसीडी में पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार ने किए हैं, तो आप दारोमदार बीजेपी को बताता है कि वो पर क्या 10 काम कमा पाते हैं। मैं कैमरामैन नितिन मिश्रा के साथ वेबोमेट्री, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।